एचएन यूनिक डिवीजन कमिश्नरी चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेकर बैठा कीजिए लाल। जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मीन्स हैलोकेन्स एंड हैलोरेंस के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें से हैलोकेन्स के बारे में हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीरियस होकर माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड मतलब कि मोनो हैलो एल्केन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग जिक्र करेंगे किसका, डाई हैलो एल्केन्स, जो कि हम लोगों को पता है इस चीज़ का, मतलब इस क्वेश्चन को मैं आपके लोग सामने एक बार बताऊँगा। जैसे अभी कहा गया था कि डिपेंड ऑफ, कुछ मिनट पहले बताया गया था ऑफलाइन में, डिपेंड ऑफ एल्काइल्स, दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। ऐसे हम कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिपेंड ऑफ एल्काइल्स। तो वैसे ही डिपेंड ऑफ हैलोजन्स नंबर मीन्स क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलोएल्केन्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलोएल्केन्स। कहने का मतलब कि हमें हैलोजन्स नंबर बताता है कि कितने वहाँ पर ये कौन से हैलोएल्केन्स होगा, मोनो हैलोएल्केन्स होगा, डाई हैलोएल्केन्स होगा, ट्राई हैलोएल्केन्स होगा कि टेट्रा हैलोएल्केन्स होगा। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट्स बोल दिया, याद रखना क्या, डिपेंड ऑफ हैलोजन्स, डिपेंड ऑफ हैलोजन्स नंबर, जिसमें जितने हैलोजन्स वो वैसा ही हैलाइड होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। जिसमें से हम लोगों ने मोनो हैलोएल्केन्स पढ़ लिया है, मोनो हैलोएल्केन्स में जो ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स था, मैंने वहाँ पर समझाने के बाद बता दिया था कि कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर की नज़र से, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर, अगला जो क्वेश्चन उसी में था, उर्ज रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी, हमने बताया था। और वहीं पर एक जिक्र आया था, बड़ा ही प्यारा रेजेंट था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ, ग्रिग्नॉट रेजेंट, ग्रिग्नॉट रेजेंट, जिसको अगर कहने मतलब ये कहीं पर भी आपको लिखा मिल जाए भैया, आर एम जी एक्स कहीं पर भी लिखा मिले तो आप इसको क्या बोलेंगे, ग्रिग्नॉट रेजेंट, ग्रिग्नॉट रेजेंट। और ये इसी ग्रिग्नॉट रेजेंट का खेल हम लोग एल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, एल्कोहल चैप्टर में, जहाँ पर वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ, जब वहाँ मैथड ऑफ प्रोविजन की भी बात करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नॉट रेजेंट पर एक चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पर्सनली अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर जिक्र आया कि आरएमजीएक्स कैसे बनाते हैं, आरएमजीएक्स कैसे, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज एक ग्रिग्नॉट अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नॉट एक रेजेंट होता है, जिसकी खोज किसने किया था, हाँ किसने किया था, हाँ विक्टर ग्रिग्नॉट ने किया था। इसकी खोज किसने किया था लाल, विक्टर ग्रिग्नॉट ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विक्टर ग्रिग्नॉट ने किया था। आप लोग जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति, जैसे जब पहले कोई व्यक्ति किसी चीज़ की खोज करता था तो अपने नाम के आधार पर उस चीज़ का नामकरण, नॉमिक्लेचर कर देता था, ऐसे ही लाल यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रिग्नॉट आरएमजी, इसकी खोज किसने किया था, विक्टर ग्रिग्नॉट ने, तो इन्होंने अपने नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, ग्रिग्नॉट रेजेंट। आ गई बात समझ ना, क्लियर। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग जो कंटिन्यूअस कल के लेक्चर से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, क्या था, डाई हैलो एल्केन। तो डाई हैलो एल्केन्स क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ के, डाई मीन्स टू और मोनो मीन्स वन और ट्राई मीन्स टेट्रा मीन्स फोर, ये चीज़ कन्फर्म होगी। जब किसी भी ग्रुप में आपको सेम चीज़ें जितनी बार दिखेंगी, दैट इज वैसा ही वो हाईलाइट होगा, वो ऐसा ही हैलो एल्केन होगा। क्लियर, आ गई बात समझ। जैसे हमने कहा मोनो हैलोएल्केन्स, डाई हैलोएल्केन्स, तो अब कंटिन्यूअस आप पढ़ेंगे डाई हैलो एल्केन। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने ये भी जिक्र किया था कि डाई हैलोएल्केन कितने टाइप्स के होते हैं, आप लोग बताएंगे, यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप लोग पता होगा ये डाई हैलोएल्केन कितने टाइप्स के होते हैं लाल, टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं लाल, एंड विसन, हमने एक चीज़ ये भी बताया था, इसी का सेकेंड नेम बताया था, क्या बताया था लाल, हाँ इस चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी हमने जिक्र किया किसका, जेमिनल, किसका जिक्र किया गया लाल, जेमिनल, सेकेंड क्या है लाल, विस्मल, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर की नज़र से दोनों एक एक नंबर में आ सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे, अभी इसी पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, आपसे क्वेश्चन के तहत मैं कंफर्मेशन करूंगा कि आपको सुन में आया कि नहीं, आप है ना, जब क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग सुन में आया कि नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जेमिनल की खासियत क्या होती है लाल, आप अगर आपके माइंड से बात उतर सकती है तो जी जी मीन्स जम,
मतलब आपकी आपकी समझने के लिए बता रहा हूँ, मतलब स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाने का मतलब किसी अदर कार्बन के पास नहीं जाने वाला हाइड्रोजन, मीन्स ये दो हाइड्रोजन है। तो अगर कहा जाए X2 दैट इज, इससे इस पर एक पॉइंट आता है एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में जिसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते लाल? एटॉमिसिटी, दैट इज जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परमाणविकता, है ना। तो ये एटॉमिसिटी फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, एटॉमिसिटी फॉर्म में है। हाइड्रोजन जैसे कहीं पर Br2 देखो लिखा होता है, Cl2 लिखा होता है, दैट इज ये इसका फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी फॉर्म। क्लियर? अच्छा, तो ये जो X2 जो होता है, अभी मीन्स से बोला गया कि हाइड्रोजन जब अदर अदर कार्बन किसी दो कार्बन के पास जाता है, मतलब एक ये आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, हमने यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 कर दिया, यहाँ स्टार्टिंग भी हमने किससे कर दिया, सॉरी CH3 से कर दिया। अब ये हाइड्रोजन जब एक ही कार्बन पे जब जाके कहीं जुड़ेगा तो इसको लो हम लोग क्या बोलेंगे, जिम, मतलब कि ये अपनी पोजीशन को सेम कार्बन पे कर लिया, मतलब डिफरेंस नहीं किया, मतलब ये जम गया, मतलब कि इधर उधर जाने वाला ये नहीं है, तो हम लोग इसको बोल देते समझ जाते क्या ये जिम, मीन्स ये कैसा है, जेमिनल हैलाइड। क्लियर? अच्छा, इसका एक ट्रिक हमने और आपको बताया था कि स्टार्टिंग के दो लेटर चुरा, थ्री लेटर चुरा लेंगे, मीन्स जेम एंड विक। आ गई बात समझ? अच्छा, जब हम लोग इसके एक्सरसाइज की बात करते भी क्वेश्चन आप पर इसी पर जेम पर एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हमने एक चैन यहाँ पर बनाया लाल, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, फिर ये X हो गया और ये X हो गया, है ना, और फिर अगला दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 X सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये X और ये CH3। पहली चीज़ तो चेक करेंगे क्या ये इसका स्ट्रक्चर सही है, हमें किसी चैन में सबसे पहले ये चेक करना होता है कि उसका चैन ये सही है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने एक ये एग्जाम्पल दिया गया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये दिया, आइए देखते हैं ये सही है कि नहीं सही है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है लाल? कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी, मतलब फोर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से प्रेजेंट होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसको फोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्लियर? अब कैसे, ध्यान रखना लाल इस चीज़ को, मीन्स कार्बन के टाइम नंबर कितना होता है, जिससे पूछेंगे भैया श्रेया बताओ कार्बन के टाइम नंबर कितना होता है, नहीं कितने होते लाल, हाँ मतलब कितना होता है लाल, 6 हो जाएगा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया लाल, 6, तो 1s2, 2s2, 2p2, 2+2=4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है श्रेया बताओ लाल, 4 प्रेजेंट, कंफर्म हो गया लाल? क्लियर? मतलब इस कार्बन के पास आउटर मोशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने प्रेजेंट हैं, 4 प्रेजेंट है, मतलब इस कार्बन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अब 4 चाहिए, मतलब 4 पहले से थे, 4 चाहिए, दैट इज 8 होने। इसी पर एक रूल हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में गलती से पढ़ा था, जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, जिसे हिंदी में कहा जाता है अष्टक का नियम। मीन्स से अष्टक का नियम क्या है, ये चीज़ सभी लोग सुनिएगा समझिएगा, अष्टक का नियम सिर्फ यहाँ पर मैं एक लाइन में एक चीज़ को समझाना चाहूँगा, अष्टक नियम क्या है। देखिए अष्टक नियम में ये चीज़ बताया गया है कि ऐसे एलिमेंट्स, मतलब कि 118 एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है, पेरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं लाल, 118। एग्जाम्पल एलिमेंट्स दैट इज स्टूडेंट नंबर, जैसे स्टूडेंट नंबर डिफरेंस टाइप के, स्टूडेंट डिफरेंस टाइप के होते हैं, वैसे एलिमेंट्स भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंस होते हैं, लेकिन स्टूडेंट में सबका अपना एक ग्रुप होता है, तो वैसे भी एलिमेंट्स का अपना अपना एक एक ग्रुप होता है। तो मीन्स से पेरियोडिक टेबल जो होती है, जिसकी खोज किसने किया था, डिमेट्री वानोविच मेंडलीफ ने किया था, इन्होंने अपने मतलब कि जो ग्रुप थे, टोटल ग्रुप नंबर कितने होते हैं, ब्लॉक कितने होते हैं, और ये ग्रुप कितने होते हैं, 18, ग्रुप नंबर कितने होते हैं, 18, और ब्लॉक कितने होते हैं, 4, मतलब कि 4 ब्लॉक होते हैं, और 4 ब्लॉक में 18 समूह होते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई, मतलब कि 118 एलिमेंट्स को व्यवस्थित तरीके से रखा गया है पेरियोडिक टेबल के ब्लॉक में, और ब्लॉक को डिवाइड किया गया है ग्रुप के थ्रू, है ना। यदि आपसे कोई पूछे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि 118 एलिमेंट्स को कहाँ पर रखा गया है, तो आप कहेंगे पेरियोडिक टेबल में रखा गया है। कहाँ रखा गया है?
आपको ये भी पता होगा कि पीरियोडिक टेबल्स दो मतलब टू टाइप्स होती हैं, एक फर्स्ट होता है जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल एंड सेकंड होता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एलिमेंट्स नंबर के बिहेव पे है। स्टार्टिंग में एलिमेंट्स की संख्या कम थी तो हम लोग बोलते थे क्या, उससे बोलते थे शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल, और जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई तो सारणी का आकार क्या है बढ़ता गया, तो हमने उसको क्या बोला लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। छोटा सा एग्जांपल, अभी सपोज दैट इस बैच में इतने लोग हैं, अभी मीन्स इसी बैच में भी अचानक से एक ग्रुप में कोई 10-15 लोग आ जाएं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम का ये जो पोजिशन है इसको बोलेंगे शॉर्ट क्लास, उस क्लास को क्या बोलेंगे लॉन्ग क्लास। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, मीन्स डिपेंड ऑफ एलिमेंट्स नंबर, दैट इज जैसे हम लोग बोलते हैं डिपेंड ऑफ स्टूडेंट नंबर, क्लास का साइज डिपेंड करता है स्टूडेंट नंबर पे, स्टूडेंट नंबर कम होंगे तो शॉर्ट बोलेंगे, ज़्यादा होंगे तो लॉन्ग, पहले की अपेक्षा में। क्लियर भाषण में आ गई ना, ऐसे ही जैसे स्टार्टिंग में आप दो लोग पढ़ते थे पहले, है ना, तो अब वो शॉर्ट था, अब आपकी नज़र में ये क्या है लॉन्ग। अभी आपकी नज़र में जब और स्टूडेंट्स आएंगे है ना, कई सारे इस समय प्रेजेंट टाइम में हो, तो इसके बाद अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो वो क्या हो जाएगी लॉन्ग और ये शॉर्ट। आगे बात सुन, कहने का मतलब हर एक डेफिनेशन में सिर्फ एक मेन पॉइंट्स को पकड़ लिया जाता है, एक मेन पॉइंट समझ जाओ वो हेडिंग किस पर डिपेंड है। तो हमने कहा कि जो हेडिंग की बात करते हैं, कि जो एलिमेंट्स की बात करते हैं, टोटल जो है एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, तो जो जो आपकी पीरियोडिक टेबल पहले वाली थी जिसको बोलते थे क्लासिकल पीरियोडिक टेबल, अब जो बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। कहीं कहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, कहीं कहीं बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इन 118 तत्वों को उन्हीं सारे ग्रुप्स में रखा गया है। क्लियर, इसी में से एक ऐसा तत्व है, मतलब कि फिर अष्टक के नियम में क्या बताया गया कि इनमें से जितने भी तत्व हैं जिनके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनके उनको कहाँ रखेंगे, अलग व्यवस्थित करके रख देंगे, और जिनके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है तो वो क्या करते हैं, वो प्रयास करते हैं। जैसे आप प्रयास कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो क्या, प्रयास कर रहे हो क्या कि 90+ हमको लाना है, आप यही प्रयास कर रहे हो ना आप, मतलब यदि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे होंगे कि मैं 90+ ला सकता हूँ, तो उनकी भूल है, मतलब लेकिन आप समझ रहे हैं कि 90+ हम नहीं ला सकते, तो लेकिन 90+ लाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं इतनी गर्मी में क्या जरूरत आने की, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये है कि जैसे आप प्रयास करते हो वैसे जो अदर एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो प्रयास करते हैं किसी अदर एटम से इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। तो इसी बिहेव पर वो चैप्टर बना था जिसको हम लोग बोलते थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर मींस वैलेंसी चैप्टर, उसमें हमने देखा था ना कुछ ऐसे एटम थे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते थे, कुछ ऐसे एटम थे जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते थे, और कुछ डोनेट करते थे। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड की जब बात करते तो वहाँ पर 3 टाइप्स था, पहला आपका कौन सा था लाल, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते थे, सेकेंड आपका था कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, थर्ड में कौन सा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता था, ये तीनों प्रोसेस डिपेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स स्टेबल कंडीशंस के लिए, है ना। तो ऐसे ही जो कार्बन होता है इसी में से एक ऐसा एलिमेंट्स है, कौन सा कार्बन, कार्बन जो होता है लाल, और एक हाँ कभी कभी क्वेश्चन आता है कार्बन का, एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट कर लीजिएगा या नोट में, ये जो कार्बन होता है लाल, इस कार्बन का कलर कैसा होता है, ब्लैकिश होता है, याद रखिएगा ब्लैक नहीं होता है, 90% लोग बताते हैं चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन कि ब्लैक होता है, कार्बन का कलर ब्लैक नहीं ब्लैकिश होता है, ये काला तो होता है लेकिन इसमें थोड़ी सी हल्की सी चमक होती है, शाइनिंग होती है हल्का। क्लियर, तो इसको बोलेंगे जो कार्बन का कलर दैट इज ये ब्लैकिश होता है। तो इसमें से 118 एलिमेंट्स में से एक ऐसा एलिमेंट्स, मतलब एक ऐसा एलिमेंट्स नहीं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, किसे छोड़कर, नोबल गैसेस को छोड़कर, नोबल गैसेस में कौन कौन से हो जाएंगे, हीलियम, नियान, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स को छोड़कर जितने अदर एलिमेंट्स हैं उन सभी के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, वो प्रयास करते हैं, वो प्रयास करते हैं किसी से जुड़ने के, किसी से इलेक्ट्रॉन लेके, है ना। तो कहने का मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन दे के या ले के, क्लियर, लेकिन हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2। और यहाँ से भी एक हीलियम से क्वेश्चन निकल के आता है, इस बार आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, जो नोबल गैसेस होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, रेयर गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस जिसे हिंदी में कहा जाता है शाही गैसें। क्लियर, जब आपसे कोई पूछे कि नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं तो आप बोल देना शॉर्ट फॉर्म में क्या कि अर्थ ए,
एर्थ ग्रुप में प्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स दैट इज नोबल गैसेस एलिमेंट्स, एर्थ ग्रुप में प्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स दैट इज नोबल गैसेस एलिमेंट्स, या पूछ सकते हैं कि रेयर गैसेस को कहाँ रखा गया, तो आप बोल सकते हैं क्या कि एर्थ ग्रुप में प्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स दैट इज मीन्स रेयर गैसेस, क्लियर। इसी को आप बोल सकते हैं इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस इनके प्रॉपर्टीज के बिहेव पर, ये जितने भी नेम बताए गए इनके प्रॉपर्टीज के बिहेव पे बताए गए एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये इस ग्रुप से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, अनसॉल्व उठा के देखिएगा, क्लियर। हमने क्या बताया, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा क्या कि प्रॉपर्टीज के बेस पर नेम रखे जाते हैं। जैसे आप किसी टीचर में बढ़िया सी प्रॉपर्टीज देखते हो, है ना, मतलब कि हर टीचर का जैसे नॉमक्लेचर करते हो, कहने मतलब किसी भी फ्रेंड सर्किल में किसी का करते हो तो प्रॉपर्टीज के बिहेव पे करते हो, है ना। वैसे ही हमने अगर इसको इनर्ट गैसेस बोला है तो इसकी प्रॉपर्टीज है, इनर्ट मीन्स ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा मीन्स इसके ऑक्टेट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जब इसके ऑक्टेट क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम इनर्ट बोलते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, फिलहाल कोई पूछेगा नहीं इतना जीनियस मींस, लेकिन फिर भी अपने तक बात को रखो क्या कि जो इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्शंस नहीं करते हैं, और रेयर गैसेस क्यों, क्योंकि इनकी क्या है पृथ्वी पर, मतलब कि इनकी शॉर्टेज है और ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और जो नोबल गैसेस है, अब ये उत्कृष्ट गैसेस है, हिंदी में कहा जाता है उत्कृष्ट, मतलब अब ये किसी ना किसी से क्या है, कुछ मतलब सक्रिय होने लगी हैं, मतलब कुछ रिएक्टिविटी इनमें है, इसीलिए ज़ेनॉन रिएक्शन करता है, ज़ेनॉन रिएक्शन करता है एक्सी, इसके बारे में जिक्र करूंगा। अच्छा, तो ये सारी बातें समझ में आ गई ना कि 118 एलिमेंट्स में से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो सभी एलिमेंट्स को जो इनकम्प्लीट हैं उनका जिक्र नहीं कर सकते हो, लेकिन जो कम्प्लीट है उनका जिक्र कर दिया क्या, हीलियम, नियान, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन, रेडान एंड अन ऑक्टियम, इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बट आपसे क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि 2 ही प्रेजेंट होते फिर भी एस्टर नियम का पालन क्यों करता है, तो आप बता सकते हो कि हीलियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो यही फर्स्ट सेल होती है और यही लास्ट सेल होती है, इसलिए ये स्टेबल होता है। शॉर्ट फॉर्म में बढ़िया सा आंसर कि हीलियम को मीन से 8th ग्रुप में क्यों रखा गया है, तो आप बोल सकते हो क्या कि ये स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, तो आप कहोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और यही फर्स्ट सेल होती है और यही लास्ट सेल होती है। क्योंकि आपको कई बार इसी समझाया गया है ना कि जिस ग्रुप्स के एलिमेंट्स का, जैसे हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, ये बताइए जैसे एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप्स का, अब फर्स्ट ए ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे, इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगी, 1 प्रेजेंट होगा, क्योंकि डिपेंड ऑफ ग्रुप्स नंबर, आप लोग ग्रुप्स नंबर से ही तो पता लगाते हैं, ग्रुप्स नंबर से ही पता लगाते हैं कि इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा चीज, लेकिन अभी आपसे कहा जाए कि जैसे एर्थ ग्रुप में प्रेजेंट फर्स्ट एलिमेंट्स ये हीलियम दिया गया, अब आपके माइंड में ये फॉर्मूला यहाँ फॉलो नहीं करेंगे, अब जैसे एर्थ ग्रुप में प्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो सभी के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने प्रेजेंट होंगे, 8 प्रेजेंट होंगे, बट वहां पर आप देखो बट हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं इस, और फिर भी इसको इसके साथ क्यों रखा गया, आप बोलोगे क्योंकि ये क्या है कि ये स्टेबल फॉर्म में है। स्टेबल फॉर्म में क्यों है, इसका एक आंसर है, इसका शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि यही फर्स्ट सेल और यही लास्ट सेल है। चलिए अच्छा, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने कहा कार्बन, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लाल 4 इलेक्ट्रॉन्स देखिए प्रेजेंट है, कैसे देखिए सेल नंबर क्या है, 2। अब सेल जैसे सेल और सबसेल में डिफरेंस क्या है भाई, अभी कुछ लोग जैसे नहीं पता होता तो कुछ लोग समझ सकते हैं ऐसे भी क्या कि सेल एंड सबसेल में डिफरेंस क्या है, कि सबसेल में सेल होता है कि सेल में सबसेल होता है, बात को समझिएगा। यहाँ पर मेरे कहने वाला अगर नहीं देखिए फिर सुनिए, अभी अगर आपको देखिए सेल की यूनिट जो होती है बड़ी होती है और सबसेल की यूनिट छोटी होती है, तो कहने मतलब जो सबसेल है ये SPDF, सबसेल नंबर कितने होते लाल, 4। इतने तो नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 4। कन्फर्म है ना, कौन कौन से होते लाल, गजब, SPDF, स्फेरिकल पार्शियल डमडम एंड फंडामेंटल, फुल नेम क्लियर, ये जो मतलब कि SPDF क्लियर, तो इनकी एक लेवल होती है, कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रखने की, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, P में 6, D में 10, F में 14, क्लियर। अच्छा, तो मतलब हमने देखा, लेकिन जो सेल होते हैं सेल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, टोटल सेल नंबर कितने होते हैं, ऐसा बताओ आप,
सेल नंबर टोटल कितने होते हैं जिक्रा, बताओ लाल भैया टोटल कितने होते हैं लाल, कौन बताएगा? महक से आप बताओगे भैया? छोटी सी बात, राजा से रानी तक, राजा से रानी तक कक्षाएं होती हैं, मतलब के से क्वीन तक, कभी भूलिएगा मत, है ना? अब तो नहीं भूलोगे, अब मत भूलिएगा, मतलब के के फॉर और क्यू क्वीन, है ना, राजा से रानी तक कक्षा। अरे एक आपको याद करने के लिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में लिख मत देना, है ना, राजा से रानी तक टोटल कक्षाएँ होती हैं, मतलब समझने के लिए आपके माइंड से बात ना उतरे, है ना। तो यहाँ पर जब काउंट करोगे कैसे, ध्यान रखो, जैसे के एल एम एन ओ पी के, काउंट करो कितने हो गए लाल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर। अच्छा एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये जो सेल नंबर होते हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल में इसको इससे डोनेट करें, के एल एम एन से, क्लियर, और डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7, आगे बात सुन लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन में हम लोग इसका डिजिट का नंबर्स का यूज करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल का यूज नहीं करते, अगर अल्फ़ाबेटिकल का यूज करते तो यहाँ क्या लिखा होता, एल एल एस टू एल पी टू, आगे बात सुन लें, मतलब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल का यूज नहीं करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए और बेहतर समझने के लिए पुराने लेक्चर देखिएगा, वहाँ पर जिक्र किया गया है, विध्वस्त समझाने का प्रयास किया गया है, है ना। तो चलिए आइए फिर से देखते हैं, तो हमने देखा कि जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन किया, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 2+2=4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी पहले से हैं, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से लेगा, है ना। तो अब यही चीज चेक करना है कि यहाँ पर देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, 4+3=, और जो कि हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, अपनी तरफ से भले डबल बॉन्ड लगा देना लाल, सुबह लगाओगे शाम तक उसी में रहोगे, बात को समझिएगा, मतलब कि जो इनकी वैलेंसी फिक्स है वो फिक्स है, हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आपने कहीं पर ये ऐसा देखा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, आपने कहीं ऐसा देखा नहीं, देखा होगा सपने में भी नहीं देखा होगा, क्लियर, गलती हो गई बात दूसरी है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन की बात करें या हाइड्रोजन टू अदर एटम की बात करें, ये सभी के साथ हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, आ गई बात समझ में, ये किसी अदर एलिमेंट से डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, चाहे मींस से सेम एटम हो या डिफरेंस हो, सभी के साथ इसका बिहेवियर सेम होगा, क्लियर। चलिए अच्छा आइए देखते हैं, तो ये चीज कंफर्म हो गया, अब ये सारी बातें माइंड में सेट कर लीजिए कि हाइड्रोजन को हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सिंगल, और सिंगल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नहीं बात समझ में। देखो एक चीज ध्यान रखना, मेहनत आप लोग बहुत करते हो, इसमें कोई बटिप नहीं है, और करना भी चाहिए भाई, क्यों, लेकिन टारगेट ना हो तो बात कैसी, टारगेट ना हो तो बात कैसे? कहने मतलब आप लोग मेहनत जब कर रहे हो तो अच्छे से करो, तरीके से करो, सिस्टम से करो, क्लियर। अब तो टेस्ट में पता चलेगा, आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार भी होगा, चले चलिए वही चीज़ तो हम करना चाहते हैं अभी कन्फर्मेशन। अब यहाँ पर कार्बन क्या गया लाल, तो यहाँ पर ये चैन सही है, क्लियर है, क्योंकि कार्बन के पास 4 होते हैं, 4+3=7+1, क्लियर, 8 हो गया। इस कार्बन के देखो कितने हैं यहाँ पर, 4 है यहाँ पर ना, और 4+2=2 कितने हो गए, 6, और ये भी आप कार्बन बैलेंस है। इस कार्बन पर देखो, इसको थोड़ा सा क्लियर करो, CH2 था ना ये, इस कार्बन की बात देखो, 2 हाइड्रोजन से 2 सिंगल बॉन्ड से, ये भी बैलेंस हो गया है ना। अब क्या करते हैं, इसके पास देखो, कार्बन पास ये भी बैलेंस है ना, तो मेरी समझ से ये किसका एग्जांपल हो गया, ये ऑप्शनल में ये सही होगा कि ये सही होगा, जर्नल का कौन सा एग्जांपल होगा, नहीं नहीं ये होना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों, जर्नल में हाइड्रोजन कहता मैं जाने वाला नहीं हूँ, जैसे आप लोग रिलेशन में कहीं जाते हो तो जल्दी से वापस नहीं आने वाले होते हो, घर पे बोल देते हो कब आऊँगा, नहीं 2-4 दिन चले, मीन्स ये हाइड्रोजन क्या बोल रहा है, मैं हाइड्रोजन जब एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, दैट इज तो ऑप्शनल में ऐसे दे सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया करेक्ट, और ये क्या हो गया, ये आपका करेक्ट है ना, और ये वाला रॉन्ग। चलिए अच्छा
अच्छा ये किसका एग्जाम्पल है? गलत है। चलिए देखते हैं क्या गलती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है लाल? फोर है। क्लियर। अब सेकेंड वाले में ना क्या है? हाँ यहाँ तीन बॉन्ड बना रहा है ये तो, है ना। तो यहाँ पर देखो उसके पास, और अष्टक नियम में यही तो कहा गया है कि एट से ज़्यादा और नहीं मानोगे तो हम डिस्ट्रीब्यूशन एटम बोल देंगे, ये भी बताया गया है। एक विस्तारित प्रमाण किसे कहते हैं? जो अपने पास आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। हमने आपको शायद बताया था जब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस 10 बना लेता था, सल्फर के पास 6 होते हैं, मैक्सिमम 12 बना लेता है। जो अपने पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन एटम्स, दैट इज वो विस्तारित प्रमाण कहलाते हैं। वो अपने पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख लिए। एग्जाम्पल में आपको हमने एक्सेप्शन बताया था कि अब फास्फोरस हो गया और सल्फर, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं तो ये मैक्सिमम कितने कर सकता है? 10 कर लेगा। और सल्फर के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 होता है, और सत्रह से ना तेरे पड़ोसी हूँ, है ना। इसके बाद 6 होता है तो ये मैक्सिमम कितने निकल लेगा? 12, है ना। तो ये क्या है? ये एक्सेप्शन है। क्लियर। अच्छा ये बात समझ में आ गई। तो इसके पास हमने देखा ये बैलेंस, तो बैलेंस करने में हमने यहाँ पर गलती क्या किया है सभी लोग बताइए। हाँ लाल, एक हाइड्रोजन यहाँ से, कुछ जीनियस इसमें बैठे होंगे, बोल नहीं रहे होंगे, है ना। बात को समझिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेंगे, किसी बॉन्ड को रिप्लेस क्यों? हाँ छोटे पर पढ़ा था हम लोगों ने कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, लेकिन फिर भी एक सेकेंड पॉइंट है। यही तो कॉन्सेप्ट, यही तो अपना एक तरीका है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीकनेस हो हम लोग इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा लाल, यदि हम सिंगल बॉन्ड, यदि हम बॉन्ड को रिलीज करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और जब हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। आ गई बात समझ में? रीजन क्या है? बॉन्ड का मतलब क्या? जुड़ना या जोड़ना, है ना। तो मतलब कि जैसे एक ये है एटम और दूसरा एटम ये है, अगर बीच से बॉन्ड हटेगा तो ये दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना। जैसे ये हो गया और दूसरा ये दोनों क्या है? एटम है, बीच में बॉन्ड है ना। अगर इस बॉन्ड को ही हटा देंगे तो एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास? इस वाले एटम के पास कम हो जाएगा। क्लियर। इसलिए बॉन्ड को नहीं हम लोग रिलीज करेंगे, या इस एटम के साथ या तो इस एटम के साथ, जब कोई एक एटम जुड़ा होगा तो उसे हटा देंगे तो उसी के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि हम लोगों ने एक बात छोटे पर समझा था लाल, क्या ये जो बॉन्ड जो होता है ना, ये बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि सिंगल बॉन्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2, और डबल बॉन्ड में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने प्रेजेंट होते हैं? ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, को मींस सह, सेमी साझा, जहां साझा होता है वही कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लंच में के बाद देखते हो ना, जब लंच होता है तो आप लोग शेयरिंग करते हो ना, और शेयरिंग किस तरीके से करते हो? 5 रुपये का पाले जी आएगा तो 1-1 रुपये लगाना सब लोग, ऐसा होता है ना। आपके समझने के लिए बात, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने किसी ने पैसे ज़्यादा लगाए हो, किसी ने कम लगाए हो, आपके जुबान पे पहला शब्द क्या होता है? सब लोग बराबर पैसे दो, उसी को शेयरिंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ अगर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन ए के होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स बी के। अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है डबल बॉन्ड में तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को ऐड करके बोलेंगे कि डबल बॉन्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर 4। ऐसे ही बोलेंगे कि यहाँ सिंगल बॉन्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर 2, एक ए का दूसरा बी का, दोनों को ऐड करके बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर 2 प्रेजेंट होते हैं लाल। तो इसलिए हमेशा याद रखना, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो उसको हाइड्रोजन को वहां से रिलीज कर देना, बॉन्ड को रिलीज मत करना। अब इस यहां से हमने रिलीज कर दिया। आगे बात समझ, अब यहां कितने हो गए लाल? अब देखिए 4 ऑलरेडी इसके पास हैं पहले से, 5, 6, 7, 8 मींस इस कार्बन को सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड से मिल गए और एक हाइड्रोजन से, टोटल कंप्लीट। अच्छा ये किसका एग्जांपल है लाल? इसमें भी अच्छा अब सही है ना, ये एक इस कार्बन पे दूसरा एक इस कार्बन पे। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये कौन सा हैलो एल्केन है बताएंगे आप लोग? बिस्मल है।
अच्छा, दोनों के डिफरेंस पॉइंट समझ में आ गए? इसके एक्सरसाइज आप लोग करके दिखाएंगे कल, है ना? सब लोग इसके एक्सरसाइज कीजिएगा। चलिए अच्छा, ये बताइए किसका एग्जांपल है लाल भैया, ये कौन सा हेलोल्केन है? ये कौन सा हेलोल्केन है? कौन सा हेलोल्केन है? ये मोनो हेलोल्केन है कि डाई हेलोल्केन है? डाई है। ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा कुछ होता है? अच्छा, आप कौन सा है? मोनो। अच्छा, आप कौन सा है? ट्राई। कौन सा हो जाएगा? ट्राई। वन के लिए मोनो, टू के लिए ट्राई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए कंफर्म। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये क्या है लाल? अब ये डाई डाई हेलोल्केन में कौन सा है? जेमिनल है ना। अच्छा, ये कौन सा जाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ? क्लियर ना? ये बोर्ड पेपर में परीक्षा के दृष्टिकोण से घुमा फिरा के ऐसे से पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, बताइएगा कहाँ पर कैसे क्या बात होगी। आगे बात सुन, क्लियर? अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ बताइए, डाई हेलोल्केन्स एंड डाई हेलोल्केन्स की क्लासिफिकेशन आपको कंठस्थ हो गए? सुन में आगे सभी लोग भूलोगे तो नहीं? इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मोनो हेलोल्केन की अपेक्षा ये डाई हेलोल्केन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, वो कौन सा है? ट्राई हेलोल्केन। ट्राई हेलो, ट्राई हेलोल्केन मतलब कि CH3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में यही मेन है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेन यही है, हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों देके जाता है, वो हेलोल्केन चैप्टर है। और हेलोल्केन में कौन सा टॉपिक है? वो CH3 है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राई हेलोल्केन, डिपेंड ऑफ हैलोजन्स नंबर दैट इज Cl, तो ट्राई क्लोरोमेथेन Br होगा, ट्राई ब्रोमो आयोडीन होगा, ट्राई आइडो मीन्स Cl होगा क्लोरो, Br होगा F होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जिनमें से इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा CHCl3, जिसे हम लोग CHCl3 जिसे हम लोग बोलते हैं क्या लाल? क्लोरोफॉर्म, जिसकी मतलब इस पर कई साइंटिस्ट थे, सिंपसन थे, जिप्सन और इस पर ड्यूमस वगैरह कई साइंटिस्ट थे। लेडी सिंपसन की वाइफ जो लेडी जेनेट ग्रिंडले सिंपसन, बड़ी विचित्र कहानी है, बताएंगे इनके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म के यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट में भी बन सकता है, क्लियर? तो इसका अगला टॉपिक ट्राई हेलोल्केन स्टार्ट करेंगे। लेकिन ट्राई हेलोल्केन स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा, इनकी थोड़ा नेमिंग कल के लेक्चर में बताया जाएगा आपको, कि ये जो मोनो हेलोल्केन्स की बात की जाए, या शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि हेलोल्केन जो होते हैं, इनके नॉमक्लेचर कैसे किए जाते हैं। और नॉमक्लेचर करने के दो तरीके आपको बताए जाएंगे। सबसे पहला एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रायल सिस्टम, क्लियर? और सेकेंड होगा IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में कहने का मतलब, जैसे आपके सामने कंपाउंड दिया गया, ये कंपाउंड दिया गया, इस कंपाउंड को हम लोग IUPAC में क्या बोलेंगे, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे कि मोनो हेलोल्केन्स या डाई हेलोल्केन्स या हेलोल्केन्स के नॉमक्लेचर कैसे किए जाते हैं इन सारे कंपाउंड्स के। और एक बात ध्यान रखिएगा, कल के लेक्चर में जेमिनल विस्मल से रिलेटेड एक पॉइंट से भी बताया जाएगा कि किस टाइप के इनके कंपाउंड्स की नेमिंग करने की खासियत, ट्रिक क्या है। कहने का मतलब, ये जो कंपाउंड्स होंगे इनके कंपाउंड्स को ट्रिक में कैसे याद किया जाए, जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, कल के लेक्चर में इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। और कल का जो लेक्चर होगा थोड़ा बेस होगा सभी हेलोल्केन्स के, सभी टॉपिक का, चाहे मोनो की बात करें, डाई की, ट्राई की बात करें, टेट्रा की बात करें, या अदर किसी हेलोल्केन्स से रिलेटेड कंपाउंड्स की बात करें, सभी के लिए कल का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूस सीरियस होकर आप लोग सुना कीजिए, समझा कीजिए। और मेरा जो टारगेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलेक्टेड टॉपिक की परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए बेहतर हो, है ना? तो ये मटेरियल सारे चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। आप लोगों
का काम है कि लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अपने संज्ञान में भी चैनल को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक की तरफ। बेस्ट ऑफ लक।